सोलन के कसोली में ऋषिपाल नामक एक व्यक्ति खादी उद्योग में कार्यरत था, जिसके पास उसकी पत्नी के गांव का व्यक्ति अजय अक्सर आया जाया करता था और ये व्यक्ति तांत्रिक भी बताया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने ऋषिपाल को नशीली चीज़ खिलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया और यहाँ से शव को हरियाणा में अपने गाँव ले जाकर करीबन 15 फीट नीचे ज़मीन में गाड़ दिया। सोलन पुलिस इस मामले की गहनता से जाँच कर रही थी और उसे अजय पर शक हुआ तो पुलिस ने पूरा जाल बिछाया और अजय को गिरफ्तार कर उससे सारी बात उगलवाई और जब उसने हकीकत बयान की तो सभी भौचक्के रह गए, क्योंकि उसने खुलासा किया कि उसने ऋषिपाल को मारकर अपने गांव में दफन कर दिया है। पुलिस अजय को लेकर अपने साथ हरियाणा रवाना हुई और उसकी निशानदेही पर उसके घर से 15 फीट खुदाई कर ऋषिपाल के शव को बरामद किया गया। फिलहाल हिमाचल पुलिस SHO ललित मोहन की अध्यक्षता में शव को लेकर सोलन पहुंची है और सोलन जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मृतक के रिश्तेदार ने शक जाहिर करते हुए कहा है कि मृतक कसोली में खादी ग्रामोद्योग में कार्यरत था। उन्हें शक है कि अजय ने प्रेम प्रसंग के चलते ऋषिपाल की हत्या की है। मृतक ऋषिपाल अपने पीछे 3 बच्चे छोड़ गया है। तीनों बच्चे भी इस दिल दहला देने वाली घटना से सकते में है, जिन्हें अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया। ये मेरे रिश्तेदार मेरे साले डिंडू खेड़ा UP तहसील कराना जिला शामली के रहने वाले थे और यहाँ कसौली के अंदर ये जॉब करते थे खाद्य ग्राम उद्योग भंडार में। इसका 17 तारीख को अपहरण हो गया। आशंका जताई गई कि वो गुम हो गया, यानी कुल्लू में घूमने के लिए गया, घर वाले बोले। उसने अपने भाई को इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया था, अपनी लेडीज़ का और उसका मर्डर करने वाला अपहरण करता। उसने उसके बाद में आने का उसके भाई ने कार्रवाई करी। पुलिस के साथ कार्रवाई करने के बाद वो परसों पकड़ा गया और उसने कबूल कर लिया पुलिस को, अब ये बंदा मैंने मारा और अपने घर अपने गाँव में ले जाकर 15 फुट नीचे गहरे गड्ढे में दबा रखा था। कल प्रशासन द्वारा, गांव के द्वारा, सभी के सहयोग से उस बंदे को निकाल लिया गया 15 फुट नीचे से। शामिल तो अभी तो 2 ही हैं जी, अपहरण करता और जो मेरा उसके घर वाले। सोलन से अमरप्रीत पुंज की रिपोर्ट।